कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। फिलहाल हवेली में एक और मौत हो गई है। मेरे ख्याल से वो लोग इस हवेली को भूतिया हवेली साबित करके पुलिस डिपार्टमेंट का उस हवेली से कब्जा छीन लेना चाहते हैं। अमित, उस जगह के बारे में तो सुना है मैंने। अच्छा, वहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। वो हवेली तो हॉन्टेड है। कौन हो तुम? क्या? हाँ इंस्पेक्टर अमित, मेरा कत्ल हो चुका है। देखिए मिसेस राय, सच की जो भी तस्वीर है वो तो सिर्फ आप ही बयान कर सकते। इस बार मेरे हाथ मिसाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। समझती रही वो राक्षस निकला। मेरा पति देशद्रोही। मैं जानता था तुम यही होंगी। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों तो पति पत्नी हैं, जीवन साथी। तो हम दोनों के बीच ये रहस्य कैसा? हाँ माधवी, मैं तो डॉक्टर बना था सिर्फ पैसे कमाने, ऐश करने के। ऐसा बेहुदा ख्याल तुम जैसे गिरे हुए इंसान के जहन में ही आ सकता है। धरती पर लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं और तुमने लालच में जानवरों को भी मात दे दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने पति का ये घिनौना रूप भी देखना पड़ेगा। मैंने बहुत गिरे हुए लोग देखे लेकिन तुम जैसा पहली बार देखा है जो पैसे के लिए अपनी माँ का सौदा कर रहा है। फालतू की बात, इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लो। इस काम से हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हम सारी जिंदगी खर्च करते रहेंगे तो भी कम नहीं पड़ेंगे। अपनी माँ को बेचकर, अपनी धरती को बेचकर ऐश करेंगे हम? हाँ। नहीं नहीं कैलाश, इस सब में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। पर अपने पापों की सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। न जाने उन विदेशी गुंडों को तुम अब तक क्या क्या बेच चुके हो, लेकिन आज से ये सिलसिला यही खत्म। ठीक है, अगर इस सिलसिले को यही खत्म करना है तो यूं ही सही। माधवी, माधवी, माधवी रुक जाओ। Thank you.
माधवी, 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 माधवी कहाँ हो तुम? माधवी वो फाइल मुझे दे दो। माधवी, माधवी, माधवी कहाँ हो? माधवी ये तुम्हारे पास जो फाइल थे वो कहाँ है? तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ माधवी वो यहीं कहीं है। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हरगिज नहीं। तू क्या समझती है मैं ढूंढ नहीं सकता? तुम ढूंढ ढूंढ कर मर जाओगे लेकिन वो फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी। बकवास मत कर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ वो फाइल देती हूँ या नहीं? नहीं देती। हाँ नहीं देती। तो फिर हमारी ये मैरिज एनिवर्सरी की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत है और मैं जीना चाहता हूं और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। नहीं कैलाश, नहीं। डॉक्टर कैलाश राय, आप पर इल्जाम है कि आपने अपनी बीवी मिसेस माधवी राय को बहुत बेरहमी से कत्ल किया था। क्या आपको अपना जुर्म कबूल है? यस साहब, इंसान जिससे प्यार करता है उसके नाम पे खुद तो कुर्बान हो सकता है पर उसका कत्ल नहीं कर सकता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सक्सेना, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, 27 दिसंबर की रात कातिल कैलाश राय और मकतूला माधवी राय की मैरिज एनिवर्सरी थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, अभी तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है और सरकारी वकील साहब ने मेरे मुवक्किल डॉक्टर कैलाश राय को अदालत के फैसले के पहले ही कातिल बना दिया। ऑब्जेक्शन सस्टेन। इस बात का ख्याल रखा जाए कि अदालत में जब तक किसी पर इल्जाम साबित नहीं होता वो बेगुनाह होता है। डॉक्टर कैलाश राय पर भी कुछ भी साबित नहीं हुआ इसलिए अदालत उन्हें बेकसूर समझती। यस योर ऑनर। प्रोसीड ऑन। योर ऑनर, मैं यही कह रहा था कि 27 दिसंबर की रात डॉक्टर कैलाश राय और श्रीमती माधवी राय की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी और उसी रात मिसेस माधवी राय को अपने पति के एक ऐसे किरदार के बारे में पता चला जिसके बारे में ना तो वो और ना ही ये तमाम शहर जानता था। मकतूला, माधवी राय के हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे जिनके बिना पर मुल्जिम को इस अदालत से कम 20 साल कैद व मुशक्कत की सजा हो सकती थी। मकतूला, मिसेस माधवी राय वो सारे सबूत, वो सारे कागजात पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी लेकिन इसके बारे में डॉक्टर कैलाश राय को पता चल गया। माधवी राय अपनी जान बचाने के लिए अपने बंगले के पिछले दरवाजे से निकली, अपनी कार में जाकर बैठी और निकल पड़ी। उसने रास्ते से अपने मोबाइल से अपनी खास दोस्त रागिनी जुंजनवाला को फोन किया। उसने उसे बताया कि उसकी जान को उसके पति से ही खतरा है क्योंकि उसका पति एक देशद्रोही है। जो सबूत, जो कागजात उसे मिले थे वो उन्हें एक महफूज जगह पर छुपाना चाहती थी। योर ऑनर, मिसेस माधवी राय सारे सबूत, सारे कागजात लेकर लाल हवेली पहुंची। वहीं पर डॉक्टर कैलाश राय ने अपनी पत्नी माधवी राय की निर्मम हत्या, उसका कत्ल कर दिया। योर ऑनर, पुलिस को माधवी राय की लाश दूसरे दिन सुबह 9 बजे मिली, वो भी जब रागिनी झुंझुनवाला ने उन्हें फोन करके इतला दी। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, सबसे पहले तो मैं सरकारी वकील साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है इन्होंने अदालत के सामने।
योर ऑनर, मेरे आज तक के करियर में इतना कमजोर मुकदमा कभी नहीं आया जिसमें शहर के एक मशहूर और नामवर सर्जन मेरे मुवक्किल डॉक्टर कैलाश राय के ऊपर उनकी अपनी ही पत्नी के कत्ल का मुकदमा है। योर ऑनर, ना तो इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही कोई सबूत। महज मिसेस रागनी झुनझुनवाला के आरोप पर इसे कत्ल मान लिया गया। योर ऑनर, यहां पे मैं अदालत को एक अहम बात बताना चाहता और वो ये है कि मिसेस रागनी झुनझुनवाला मेरे मुवक्किल डॉक्टर कैलाश राय से जाती दुश्मनी रखती है। योर ऑनर, सच्चाई तो ये है कि मैरिज एनिवर्सरी की रात जबकि पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, एक इज्जतदार डॉक्टर जो कि मानसिक रूप से बीमार भी नहीं था, वो अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के लिए एक ऐसा सबूत छोड़ देता है जो कि इसे देशद्रोही करार देने के लिए काफी था। योर ऑनर, इस बात पे सिवाय हंसने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, अदालत का वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं हो इसलिए मैं अदालत में मिसेस रागनी झुनझुनवाला को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। और इस तरह मेरी दोस्त रागनी झुनझुनवाला ने अदालत में गवाही दी। लेकिन अदालत के सामने दो मजबूरियां थी। पहली, मेरे कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और दूसरी, डॉक्टर कैलाश राय के खिलाफ जो मेरे पास सबूत थे वो कहां है मेरे सिवाय कोई नहीं जानता था। सच मैं बताता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, हालांकि ये सच मेरे मुवक्किल डॉक्टर कैलाश राय की जाती जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन इसे अदालत के सामने बताकर इन्हें बेगुनाह साबित करना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मुआफी चाहता हूं मैं। योर ऑनर, सच यह है कि मिसेस माधवी राय एक बेवफा औरत थी। उनका अपने पति के अलावा किसी और से प्यार था। मैरिज एनिवर्सरी की रात वो लाल हवेली गई, वहां पर अपने प्रेमी से मिली और वहीं उनका किसी बात पे अपने प्रेमी से झगड़ा हो गया और उसी बात पे उनके प्रेमी ने उनका कत्ल कर दिया। और इस पूरे वाकये में मिसेस रागनी झुनझुनवाला मिसेस माधवी राय की राजदार थी। योर ऑनर, मेरे ख्याल में पुलिस को इस मामले की फिर से तहकीकात करनी चाहिए और असली मुजरिम को कानून के हवाले कर देना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम हालात वाकयात को जानने के बाद और गवाह का बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस ने एक नहाय शरीफ और अच्छे शहरी को मुजरिम बनाकर अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस ने इस केस में बहुत कोताही से काम लिया। यह अदालत डॉक्टर कैलाश राय को अपनी बीवी मिसेज माधवी राय के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ताकीद करती है कि मामले की दोबारा इंक्वायरी की जाए। यह अदालत मिसेज झुनझुनवाला को भी शक के दायरे से बाहर नहीं समझती। इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव, मेरी दोस्त होने का खमियाजा रागिनी को भुगतना पड़ा। पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। वो तो लाख लाख शुक्र है भगवान का कि वो एक बड़े आदमी की बीवी है। कोई मामूली औरत होती तो इस वक्त जेल में होती। मिसेज राय, मैं मानता हूं कि आप मुझे सिर्फ माधवी कहिए। मिसेज राय मेरे लिए एक गाली है। मैंने एक ऐसे कमीने इंसान से प्यार किया जो देशद्रोही निकला। अदालत ने उसके डॉक्टरी के पेशे को तो बहुत संजीदगी से लिया,
मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि पिछले 10 सालों में मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर राय ने कितना पैसा कमाया। माधवी, मुझे तुम्हारी मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन कुदरत के निजाम पर किसका बस चला है। खैर, जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब जो होना है वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर कैलाश राय को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था, इसलिए अब उन्हें दोबारा मुजरिम साबित करने के लिए हमें ठोस सबूतों की जरूरत है। तो मैं क्या समझूं, मुझे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा? नहीं मिसेस राय, आपको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर अमित, ये बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आज भी मेरे दामन पर बेवफाई का दाग लगा हुआ है। ये रागिनी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आज भी बिना वजह परेशान है। ठीक है, जो आप चाहती हैं वही होगा। डॉक्टर कैलाश राय को अपने किए पर पछताना होगा, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। एंड आई मीन व्हाट आई से। रू, आत्मा, भूत, प्रेत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। तुम क्या दुनिया के सामने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक मजाक बनाना चाहते हो? तुम्हारी ये बातें सुनकर लोग हंसेंगे तुम पर। नहीं नहीं अमित, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सर, जब यह केस मुझे सौंपा गया था तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे फ्री हैंड दिया जाएगा। फ्री हैंड का मतलब वहम और भ्रम की सारी बातें। ध्यान रहे अमित, ऐसा करके तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और ऐसा ना करके मेरा फर्ज, मेरा जमीर, मेरा यकीन, मेरा एतमाद खतरे में पड़ सकता है। सर, सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ठीक है, ऐसा करो, तुम अपनी छुट्टी की अर्जी मुझे लिख कर दे दो, जरूरत पड़ी तो तुम्हारा बचाव तो कर सकूं। मैं जानता हूं तुम एक जिद्दी और अड़ियल आदमी हो, लेकिन तुमने डिपार्टमेंट को हमेशा रिजल्ट दिया है। I assure you, sir, मैं इस बार भी डिपार्टमेंट को रिजल्ट दूंगा। And that's a word. I hope so. Positively, sir. मेम साहब, आपसे इंस्पेक्टर अमित सक्सेना मिलने आए हैं। मैं किसी पुलिस वाले से नहीं मिलना चाहती, फिर कोई नया इंस्पेक्टर आएगा, फिर मुझे परेशान करेगा। गुस्ताखी माफ, बिना इजाजत अंदर आने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आप पुलिस वालों से बहुत नाराज हैं, और पुलिस वालों ने आपको परेशान भी बहुत किया है। सभी पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं। आई एम सॉरी टू से, आप ज्यादती कर रही हैं। एनीवे, दरअसल मैं आपके पास आपकी सहेली मिसेज माधवी राय की वजह से आया हूं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। आप होश में हैं या मेरा मजाक उड़ाने यहां आए हैं? देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये जानने आया हूं कि 27 दिसंबर की रात जब मिसेज माधवी राय ने आपको मोबाइल पर डॉक्टर कैलाश राय के बारे में बताया था तो आपने क्या किया था? देखिए, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आपका इस तरह अचानक यहां आना, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं। प्लीज, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूं, मैं अपनी मुसीबतें और बढ़ाना नहीं चाहती। I knew it. मैं जानता था आप इसी किस्म की बात करेंगी, इसीलिए मैं आपके नाम आपकी सहेली का यह खत लेकर आया हूं। ये देखिए, Thank you.
हैंडराइटिंग उसी की है और ये सिग्नेचर भी उसी का है। आज की डेट? सच सच बताइए, आप है कौन? मैं बता चुका हूं, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव। देखिए रागिनी जी, मैं आपकी सहेली मिसेज माधवी राय के कातिल डॉक्टर कैलाश राय को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूं आपकी। गुड, ये बताइए कि 27 दिसंबर की रात जब मिसेज माधवी राय से आपकी फोन पर बात हुई थी उसके बाद आपने क्या किया? उसके फोन से मैं काफी परेशान थी। वैसे डॉक्टर कैलाश मुझे कभी अच्छा आदमी नहीं लगा, आप शायद जानते नहीं, लेकिन डॉक्टर कैलाश की प्रैक्टिस बड़ी मामूली सी है, लेकिन जिस तरह की जिंदगी वो गुजार रहा है वो उसके इनकम से मेल नहीं खाती। और यही बात मैंने माधवी से भी कही, कई बार कही, मगर उसका कहना था कि दिन में तो क्या, रात में भी मरीज उन्हें आराम नहीं करने देते। इसका मतलब जिन लोगों का ताल्लुक डॉक्टर कैलाश से है वो मरीज के नाम से उनसे मिलते हैं। थैंक यू मिसेज रागिनी झुंझुनवाला, इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और हां, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अब पुलिस आपको कभी परेशान नहीं करेगी। गुड नाइट। हेलो डॉक्टर कैलाश राय, पेशेंट नंबर 444। क्या बात है भाई, इस बार आपने हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं भिजवाया। डोंट वरी फ्रेंड, इस बार इंस्टॉलमेंट के साथ एक कीमती गिफ्ट भी आपके लिए नेक्स्ट फ्राइडे तक पहुंच जाएगा। ओह दैट्स ग्रेट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ, वो जो डॉक्टर कैलाश राय का फोन हमने टैप किया था तो टेलीफोन एक्सचेंज से पता चला किस नंबर से किया गया था? किया सर, ये नंबर है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। डॉक्टर कैलाश माधवी, धीरे धीरे हर राज का पर्दाफाश हो रहा है। गुनाहों की धूल में धंसा हुआ डॉक्टर कैलाश राय का मुजरिमाना चेहरा इंसाफ की आंधी में अब साफ नजर आने लगा है। बस इस मामले की एक आखिरी कड़ी बाकी है, वो है वो सबूत, वो फाइल जो तुम डॉक्टर कैलाश की लाइब्रेरी से लेकर आई थी। समझ में नहीं आता कि वो फाइल कहां चली गई। रागिनी झुंझुनवाला के बयान पर पुलिस ने इस हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वो सबूत, वो फाइल कहीं नहीं मिली। वो सारे सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन वो सबूत मिल जाने के बाद भी एक सवाल फिर वही खड़ा है, मेरे कत्ल का चश्मदीद गवाह कौन है? और जब तक ये सवाल हल नहीं हो जाता, ना मुजरिम को सजा मिलेगी ना मुझे इंसाफ। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, लेकिन मसला यह है कि इस सवाल का हल कैसे ढूंढा जाए। इस सवाल का हल तो कोई कानून का माहिर ही बता सकता है। अब मैं आपको बताती हूं क्या करना है। मिस मोना ठक्कर, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव अदालत के कायदे कानून नहीं जानते, लेकिन आप तो वकील हैं, आप तो कायदा कानून जानते हैं। ये केस कब का खत्म हो चुका है, ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो चुका है। नहीं योर ऑनर, नहीं, फैसला अभी हुआ नहीं है, फैसला होना बाकी है। इस मामले में अदालत ने पुलिस के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वो मिसेज माधवी के असली कातिल को ढूंढ निकाले। एंड योर ऑनर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कातिल को ढूंढ लिया। उसे गिरफ्तार कीजिए, उस पर मुकदमा चलाइए, सबूतों और गवाहों से उसका जुर्म साबित कीजिए। लेकिन आप लोग तो मेरे पास ये दरखास्त लेकर चले आए हैं कि किसी वजह के तहत, किसी मजबूरी के तहत ये मुकदमा यहाँ न चलकर लाल हवेली में चलाया जाए। जैसे मुकदमा मुकदमा न हुआ
स्टेज पर खेला जाने वाला कोई ड्रामा हो गया। नहीं योर ऑनर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है योर ऑनर? दरअसल इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को इस मुकदमे का एक चश्मदीद गवाह मिल गया है, लेकिन वो चश्मदीद गवाह किसी खास वजह से, या मैं कहूँ किसी मजबूरी से इस अदालत में पेश नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो लाल हवेली में जरूर आ सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है योर ऑनर। योर ऑनर, ये दरख्वास्त अदालत में पहली बार नहीं की जा रही है। ये 1947 में द्वारका दास वर्सेस मानिकचंद केस कैलकटा में ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे की सुनवाई मानिकचंद के पुश्तैनी मकान में करवाई थी, और उसी तरह 1951 भोपाल में इकरामुद्दीन वर्सेस बशीर खान के केस में भी इंसाफ की खातिर यही इजाजत दी गई थी। और इस बार मैं भी कानून के नाम पर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इंसाफ और कानून को जिंदा रखने के लिए आप इस केस की कार्रवाई लाल हवेली में ही कराएं। ठीक है, अगर कानून के मुहाफिज ये समझते हैं, अगर इससे इंसाफ का तकाजा पूरा हो सकता है, तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं इसकी इजाजत देता हूँ। थैंक यू ऑनर, थैंक यू वेरी मच। आप सब ये जानते हैं कि मुकदमा मिसेज माधवी राय के कत्ल का मुकदमा है। मिसेज माधवी राय, जिन पर अपने पति से बेवफाई का इल्जाम था और जिनकी हत्या उनके किसी प्रेमी ने कर दी थी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव और एडवोकेट मिस मोना ठक्कर ने जब अदालत को इसका यकीन दिलाया कि वे अदालत के सामने मिसेज माधवी राय के कत्ल का चश्मदीद गवाह पेश कर सकते हैं, तब अदालत ने उन्हें सारी कार्रवाई इस लाल हवेली में करने की इजाजत दे दी। अदालत सरकारी वकील को हुक्म देती है कि मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं उस चश्मदीद गवाह को इस अदालत में पेश करूं, इससे पहले मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहती हूं जो इस केस के लिए बहुत ही खास हैं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यही वो फाइल है जिसमें हमारे देश के कुछ ऐसे सीक्रेट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि अगर किसी भी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाएं, तो बड़ी आसानी से हमारे देश में तबाही फैला सकते हैं। ये लीजिए योर ऑनर, यही वो फाइल है जिसे बेचकर डॉक्टर कैलाश दुश्मनों से इसकी कीमत वसूल करना चाहते थे, और यही सबूत मिसेस माधवी के हाथ लग गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, सरकारी वकील साहिबा असल मुद्दे से हटकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही। जैसा कि अदालत ने अभी अभी ये कहा है कि ये अदालत यहां पर किसी खास गवाह को पेश करने के लिए बुलाई गई, तो मैं समझता हूं कि सरकारी वकील साहिबा समझ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। योर ऑनर, लगता है वकील सफाई ने अदालत की बात जरा ध्यान से नहीं सुनी। इस अदालत में कोई खास गवाह नहीं, बल्कि चश्मदीद गवाह पेश होने वाला है, जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा, और मैं उस चश्मदीद गवाह को इस अदालत में पेश करने जा रही हूँ, जिसे देखकर डॉक्टर कैलाश के होश उड़ जाएंगे। हो सकता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, और ये भी हो सकता है योर ऑनर, डॉक्टर कैलाश के दिल की धड़कन ही रुक जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहिबा से ये पूछना चाह रहा हूं कि वो चश्मदीद गवाह पेश कर रही हैं या कि मौत का फरिश्ता। ये मेरे मुवक्किल को खौफजदा कर रही हैं, धमका रही हैं। मैं आपके मुवक्किल को धमका नहीं रही हूं, बल्कि कानून के आईने में उसे उसका घिनौना चेहरा दिखा रही हूं। योर ऑनर, अब मैं अपने चश्मदीद गवाह को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आइए। Thank you.
आप गीता पर हाथ रखे कसम खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। यस योर ऑनर। क्या आप मिसेज माधवी राय के कत्ल की चश्मदीद गवाह हैं? जी हाँ। क्या आप इस अदालत को बता सकती हैं कि आपने क्या देखा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं आपको सब बताऊंगी जज साहब। वो 27 दिसंबर की रात थी। कातिल डॉक्टर कैलाश राय और मकतूला माधवी राय की 7वीं मैरिज एनिवर्सरी की रात। हेलो। हेलो। अरे माधवी। हेलो रागिनी। क्या बात है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रागिनी, रागिनी मैं बर्बाद हो गई रागिनी। पर हुआ क्या? डॉक्टर कैलाश, जिसे मैं फरिश्ता समझती थी, वो देशद्रोही निकला रागिनी। वो देश के सीक्रेट बेच बेच कर पैसा कमा रहा है। माधवी ये क्या बोल रही है तू? आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तेरी शादी की सालगिरह है। नहीं, आज मेरी बर्बादी की सालगिरह है। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं और मैं ये सबूत लेकर लाल हवेली जा रही हूँ। अगर जिंदा रही तो मैं तुमसे आके मिलूंगी। योर ऑनर, चश्मदीद गवाह के नाम पर इस औरत ने अदालत के सामने जो कुछ भी बताया उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि ये औरत शुरू से लेके आखिर तक हर जगह मौजूद थी। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? और यह औरत है कौन? मैं बताती हूं कि मैं कौन हूं। कौन है आप? जज साहब, मैं माधवी राय, अपने कत्ल की चश्मदीद गवाह। How it is possible? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन हो सकता है जज साहब। अब मैं डॉक्टर कैलाश राय से पूछती हूँ, जो मैंने कहा वो झूठ है? क्या मैं अपने कत्ल की चश्मदीद गवाह नहीं हूँ? डॉक्टर राय, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते। बोलो, क्या तुम कातिल नहीं हो? क्या तुम देशद्रोही नहीं हो? मैं कातिल हूँ, मैंने तुम्हारा खून किया है। योर ऑनर, मैं देशद्रोही हूँ। मुझे माफ कर दो माधवी, मुझे माफ कर दो। ये कातिल ही नहीं, देशद्रोही भी है। अगर इसने सिर्फ मेरा कत्ल किया होता तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, लेकिन अपनी धरती मां को, अपने देश को बेचने वाला रहम के काबिल नहीं हो सकता। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं इंस्पेक्टर अमित की और मोना ठक्कर की, जिनकी वजह से यह मुमकिन हो सका। जज साहब, मैं यहां से जा रही हूं इस उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति। ये एक बड़ा ही विचित्र और हैरत अंगेज मुकदमा है। अकल हैरान है, अदालत आत्मा की गवाही को माने या न माने, लेकिन अदालत के सामने सारे सबूत मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कैलाश राय का इकबाले जुर्म भी। अदालत को इस बात में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर कैलाश राय ही मुजरिम है।
इसने एक नहीं दो दो जुर्म किए हैं, अपनी पत्नी माधवी राय का कत्ल और देश के साथ गद्दारी। यह अदालत कैलाश को मुजरिम मानती है और जेर दफा 302 ताजरात हिंद उसे सजाए मौत का हुक्म देती है। अदालत यह बात खासकर कहना चाहती है कि काश यह अदालत डॉक्टर कैलाश राय को दो जुर्मों के लिए दो बार फांसी की सजा दे सकती। डॉक्टर कैलाश राय को गिरफ्तार कर लिया। जज साहब मुझे माफ कर दीजिए, जज साहब मुझे माफ कर दीजिए।